दोस्तों आज से लगभग 2 महीने पहले एक खबर काफी ज्यादा गर्म हुई थी कि सुपरस्टार अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे अब डायरेक्ट OTT यानी कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ये खबर आग की तरह फैल गई थी और सभी को लगा था कि अब अतरंगी रे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। हालांकि अतरंगी रे फिल्म के जो मेकर्स है उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था कि अतरंगी रे थिएटर में रिलीज होगी या OTT प्लेटफॉर्म पर। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि अतरंगी रे के रिलीज डेट को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूमर्स पे अगर भरोसा किया जाए तो इस वक्त खबर ऐसी आ रही है कि अतरंगी रे फिल्म के जो मेकर्स है जो इस फिल्म को पहले OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन सूर्यवंशी की सक्सेस यानी कि सूर्यवंशी के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद अतरंगी रे फिल्म के जो मेकर्स है वो चाहते हैं कि इस फिल्म को भी थिएटर में रिलीज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने अतरंगी रे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यानी कि आनंद एल राय को एक बड़ा ऑफर दिया है और कहा है कि अतरंगी रे फिल्म को OTT पे ना रिलीज करें और इस फिल्म को सिनेमाघरों में ही रिलीज किया जाए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर अतरंगी रे फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो काफी बढ़िया बात होगी, क्योंकि अतरंगी रे फिल्म एक तरह से पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि नॉर्थ यानी कि हिंदी मार्केट में अक्षय कुमार के नाम से यह फिल्म चल जाएगी, वही तमिलनाडु यानी कि तमिल वर्जन में धनुष के होने की वजह से इस फिल्म को तमिल वर्जन में भी अच्छा खासा कलेक्शन मिलेगा। तो अगर अतरंगी रे फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मिनिमम 200 करोड़ की कमाई कर सकती है, क्योंकि कम से कम 150 करोड़ तो हिंदी वर्जन में कमा लेगी और 85 करोड़ धनुष के होने की वजह से तमिल वर्जन में भी फिल्म का कलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि अगर अतरंगी रे थिएटर में रिलीज होती है तो इस फिल्म को आखिर रिलीज कब किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि अब जनवरी में अक्षय कुमार की पृथ्वीराज रिलीज होने वाली है, उसके 2-3 महीने बाद यानी कि मार्च में अक्षय कुमार की बच्चन पांडे रिलीज होगी। तो सवाल यही उठता है कि अगर अतरंगी रे फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे तो फिल्म की रिलीज डेट शायद जून 2022 हो सकती है। बाकी दोस्तों वेट करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि अतरंगी रे फिल्म के जो मेकर्स है वो इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करते हैं या OTT पे। अगर सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे तो फिल्म की रिलीज डेट क्या बताते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार की और धनुष की फिल्म अतरंगी रे को सिनेमाघरों में रिलीज करना चाहिए या OTT प्लेटफॉर्म पर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।